कैसे हो आप सब? आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सीपी स्मार्ट क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं विषाणु वायरस के बारे में। जैसा कि बच्चों आपका फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास है, ये फर्स्ट क्लास आपको मैंने बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया था। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे पहली क्लासेस जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो टॉपिक आपका है वायरस विषाणु। अब यहाँ पे बात ये आती है बच्चों कि मैम आपने बताया हमें वायरस और विषाणु, हम बहुत दिन से वैसे भी वायरस विषाणु के बारे में सुन रहे हैं और इतने दिन से ये चल भी रहा है वायरस वायरस वायरस, है ना। जैसा कि बच्चों आप सभी लोग इस वायरस के बारे में बहुत सारी चर्चा सुन चुके होंगे, लेकिन आज हम जानेंगे कि वाकई में वायरस होता क्या है, कैसे आपके बॉडी में वायरस आ जाता है और किस किस तरीके से आपके बॉडी के ऑर्गन को नष्ट करता है, क्या कौन से ऑर्गन को सबसे पहले पकड़ता है। सारी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से टीजीटी पीजीटी के लिए, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो जैसा कि आप सबसे पहले टॉपिक आता है वायरस, ये वायरस है क्या, है ना, ये वायरस है क्या, वायरस किसे कहते हैं। जैसा कि बच्चों वायरस जो होता है वो वायरो शब्द से लिया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि वायरस को वायरो शब्द से लिया गया है। देखिए मैंने आपको इंग्लिश लिखा है बट आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी में बताऊंगी, साथ में आपको हिंदी भी लिख दूंगी, नोट्स भी अगर आपको लेनी होगी तो वो हिंदी में प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इंग्लिश मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी इंग्लिश और हिंदी दोनों, हिंदी तो मैं ऑलरेडी ही बोलूंगी, इंग्लिश आपको मैंने लिख दिया ताकि आप दोनों टर्म को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो वायरस विषाणु, वायरस वायरो शब्द से लिया गया है, ठीक है, किस शब्द से लिया गया है, वायरो शब्द से लिया गया है और इस वायरो का अर्थ होता है पॉइजन या फिर विनम, ठीक है, पॉइजन या फिर विनम। पॉइजन का मतलब होता है विष और विनम का मतलब भी कह सकते हैं जहर, है ना, विष जहर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वायरस वायरो शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पॉइजन या फिर मेनम मतलब की जहर या विष। तो वायरस एक प्रकार का क्या है, जहर है, वायरस हमारे बॉडी के लिए एक प्रकार का जहर है। और जो आप देख रहे हो वायरस वाकई में चल ही रहा है, ठीक है, हाल में आपको बहुत अच्छे से वायरस के बारे में पता है कैसा जहर है, अगर आपके बॉडी के अंदर आ गया तो कितनी सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो इसलिए वायरस क्या है, एक वो पॉइजन है, एक वेंटम है मतलब कि विष है या जहर है, ठीक है। अच्छा अब बात यहाँ पे यह आती है, जो वायरस को हिंदी में बोलते हैं विषाणु, ठीक है। अब बात यहाँ पे यह आनी चाहिए कि विषाणु की खोज किसने की थी, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही आता है क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो डिस्कवर्ड से पूछे जाते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं जो आपको पढ़ाऊंगी वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ मैं आपको वो चीजें बताऊंगी जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज में कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी तो मैं डाल दूंगी इस टॉपिक पे, बट बेफिजूल वाली बातें, बेफिजूल वाली चीजें बिल्कुल नहीं, सिर्फ आपके टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो आपको वायरस के लिए आपको बताया कि वायरस क्या है, वायरस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पॉइजन या वेनम, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया मैम, अब बात यहाँ पे आती है कि वायरस का हम अध्ययन किसमें कहते हैं, है ना, वायरस की स्टडी हम किसमें कहते हैं। जैसे कि सबकी स्टडी क्या होती है, अलग अलग होती है, जैसे सेल की स्टडी साइटोलॉजी, है ना, तो वैसे ही आपका जो वायरस की स्टडी होती है वो किसमें होती है, वायरोलॉजी में होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसको हिंदी में भी यही बोलेंगे वायरोलॉजी। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि क्या क्वेश्चन आ सकता है इसे कि वायरस का अध्ययन किसमें करते हैं, वायरस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो वायरोलॉजी कहते हैं, ठीक है, ये हिंदी टर्म भी यही है, इसे हम वायरोलॉजी कहते हैं, ओके। इतना चीज आपको क्लियर हो गया। अब बात यहाँ पे आती है बच्चों कि वायरस क्या है, वायरस क्या है, वायरस लिविंग है, वायरस नॉन लिविंग है, क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका वायरस से तो यही बनता है कि वायरस क्या है, है ना, सबसे पहला क्वेश्चन आपका बच्चों यही बनेगा कि वायरस है क्या, ठीक है। देखिए अब आपके माइंड में यह आएगा, ज्यादातर बच्चे बोलेंगे मैम वायरस लिविंग है, कुछ बच्चे बोलेंगे वायरस नॉन लिविंग है, कुछ बोलेंगे लिविंग नॉन लिविंग दोनों है। तो यहाँ पे फोर ऑप्शन दिए होंगे, एक लिविंग, दूसरा नॉन लिविंग, तीसरा लिविंग और नॉन लिविंग, और चौथा आपका दिया होगा लिविंग्स और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी। तो फोर नंबर क्वेश्चन, मतलब फोर नंबर पॉइंट बिल्कुल सही होगा कि वायरस जो आपका होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है। वायरस ना लिविंग होता है और ना नॉन लिविंग होता है, वो क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि वायरस क्या है, तो आप बोल दीजिएगा कि वायरस जो है आपका,
वायरस क्या है? वायरस लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के बीच की क्या है, सबके बीच की कड़ी है, है ना, के बीच की कड़ी है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा और इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, कि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बात हम ये करते हैं बच्चों, ठीक है, अब हम बात ये करेंगे कि ये तो समझ में आ गया कि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, ठीक है, वायरस की खोज किसने की थी, है ना, वायरस की खोज किसने की थी, तो आप सभी लोगों ने एक नाम सुना होगा जिनका नाम है इवानोवस्की, है ना, जिनका नाम है इवानोवस्की। इवानोवस्की नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने वायरस की खोज की थी, बट उससे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम मैं आपको बता रही हूँ। आइए थोड़ा सा बोर्ड की तरफ आते हैं। जैसा कि बच्चों सबसे पहला आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि वायरस की जो खोज हुई थी वो इवानोवस्की ने तो की थी, है ना, इवानोवस्की ने तो की थी, लेकिन उससे पहले एडोल्फ मेयर एक नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वायरस की खोज की थी, ठीक है, जिन्होंने वायरस की खोज की थी और खोज करने के पश्चात, ठीक है, जिन्होंने खोज की थी और खोज करने के पश्चात उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने क्या बताया था कि वायरस, ठीक है, उन्होंने बताया था कि वायरस एक क्या है, बैक्टीरिया है, जीवाणु है। उन्होंने वायरस को बैक्टीरिया और जीवाणु कहा, क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने एक तंबाकू की पत्ती ली और उसमें एक धब्बे जैसे कुछ निशान बने हुए थे, कुछ डिसीज थे, रोग थे, ठीक है, जिसको देखकर उन्होंने बताया कि एक प्रकार का जीवाणु है, बैक्टीरिया है, जिसे अपनी नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसे केवल माइक्रोस्कोप मतलब कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। तो उन्होंने क्या, कौन बताया था ये बात, एडोल्फ मेयर नामक वैज्ञानिक ने, एडोल्फ मेयर नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था कि जो वायरस है वो एक प्रकार का बैक्टीरिया है, जीवाणु है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा पहले तो ये आ गए, ठीक। अब सेकंड नंबर है बच्चों, सेकंड नंबर पे इवानोवस्की आए, ठीक है, इवानोवस्की जो नामक वैज्ञानिक जब आए तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बच्चों बताया था, देखिए इवानोवस्की का पूरा नाम क्या है, दमित्री इवानोवस्की, ठीक है, इनका पूरा नाम है दमित्री इवानोवस्की। तो इन्होंने जब आए तो इन्होंने वो जो बताया, एक दो तंबाकू की पत्ती इन्होंने लिया और दो तंबाकू की पत्ती कैसी पत्ती थी, एक बिल्कुल सही पत्ती थी, उसमें कोई भी रोग नहीं थे, और दूसरी पत्ती जो थी वो उसमें कुछ रोग थे। तो उन्होंने इस तरीके से दो पत्ती को लिया और दो पत्ती को लेने के पश्चात, ठीक है, उन्होंने उसके रस को निकाल दिया और दोनों के रस को अलग 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 चीजों में रख दिया, ठीक है, मतलब एक दूसरे ग्लास में रख दिया, एक दूसरे ग्लास में रख दिया, उसके सैंपल मतलब रस को निकाला, और रस को निकालने के बाद दोनों अलग अलग चीजों में रख दिया, और रखने के बाद एक सही पत्ती ली और इस सही पत्ती में उन्होंने एक जो इसमें रोग था उस वाली पत्ती को डाला, और डालने के पश्चात उन्होंने देखा कि उसमें भी क्या हो गया, रोग हो गया। तो इससे उन्होंने ये बताया कि ये टोमैको मोजैक वायरस है। कैसा वायरस है, उन्होंने बताया कि TMV वायरस है, टोमैको मोजैक वायरस है। इन्होंने इसका, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, इन्होंने इसका नाम रख दिया टोमैको मोजैक वायरस, ठीक है, क्या नाम रख दिया, टोमैको मोजैक वायरस। तो ये काम किसने किया, इवानोवस्की ने किया, ठीक है, इस तरीके से ये इन्होंने बताया कि एक प्रकार का क्या है, वायरस है, कैसा वायरस है, इनका पूरा नाम बताया कि टोमैको मोजैक वायरस है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है जो कि वायरस क्या है, वायरस की डिफिनेशन हम क्या बताएंगे, है ना, वायरस के हम डिफिनेशन क्या बताएंगे, आइए थोड़ा सा हम डिफिनेशन पे भी चर्चा कर लेते हैं कि वायरस की डिफिनेशन क्या होगी। बच्चों अगर आप लोगों को क्लास में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इश्यू होती है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, उसमें नंबर भी दिया होगा डिस्क्रिप्शन पे, आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप नंबर ओपन करिए, उसमें जो भी आपको क्लास में प्रॉब्लम होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आपको नोट्स चाहिए या फिर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है या फिर कैसे भी आपके क्वेरी होती है, आप व्हाट्सअप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको लंबे समय तक के लिए लाइव क्लासेस मिले, आपकी क्लासेस काफी लंबी चले और लाइव क्लासेस मिले, सो आप यूट्यूब पे तो क्लासेस चलेगी, कंटिन्यू चलेगी, नो इश्यू, बट अगर आप हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको सीपी स्मार्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जो आपके डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया होगा, उसको डाउनलोड करने के पश्चात आप उससे लाइव क्लासेस ले सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर दिया होगा उससे आप संपर्क करके बात कर सकते हैं कैसे आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, ओके। तो जल्दी से आप ऐप को डाउनलोड करिए, अगर आपको
अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हुए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो तो हम क्या बता रहे थे बच्चों, हम बता रहे थे आपको कि वायरस क्या है। अब वायरस की आप डिफिनेशन क्या बताओगे कि वायरस होता क्या है, वायरस किसे कहते हैं? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि वायरस एक लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की कड़ी है। बट आइए थोड़ी सी डिफिनेशन पे आ जाते हैं। जैसा कि वायरस की डिफिनेशन आप बता सकते हो कि वायरस आर सिंपल लिविंग पार्टिकुलर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। मीन्स बच्चों कि आपका जो वायरस है, ठीक है, जो वायरस है, वायरस एक सिंपल लिविंग पार्टिकुलर है। मतलब कि एक जो वायरस है, जो विषाणु है, एक सिंपल सा, साधारण सा, ठीक है, एक छोटा सा लिविंग सजीव पार्टिकुलर है। मतलब पार्टिकुलर कंपोज ऑफ स्मॉल नंबर, मतलब कि एक छोटा सा अणु है, ठीक है, एक छोटा सा अणु है जो कैसा है, लिविंग सेल, ठीक है, पार्टिकुलर कंपोज ऑफ स्मॉल नंबर माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, छोटे छोटे एक लिविंग सेल कण है जो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए आरएनए से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए से मिलकर बने होते हैं। तो आपका जो वायरस होता है वो डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, ठीक है। देखिए वायरस जो आपके होता है वो आपके बॉडी में जैसे ही इंटर करता है, वायरस बॉडी में जैसे ही इंटर करता है वो हमारे, ठीक है, वो हमारे किसको, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन होते हैं, ठीक है, उसमें तुरंत अटैक करने की कोशिश करता है, ठीक है, और अटैक अभी मैं आपको एकदम आपको इसको एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो जो वायरस हमारा होता है जैसे हमारी बॉडी के अंदर आता है, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी कैसी है, लिविंग्स है, हम लिविंग्स है। आपको पता है कि आप लिविंग्स हो, अगर आपको नहीं पता तो भी आप बता देना कि आप लिविंग्स हो या नहीं हो। अगर आप लिविंग्स हो तो आपके अंदर ये वायरस जरूर आएगा, और आने के पश्चात वो जीवित रहेगा। जब तक एक लिविंग ऑर्गेनाइज्म के अंदर वायरस है तब तक वायरस जिंदा है, अन्यथा जैसे ही एक लिविंग ऑर्गेनाइज्म से वो बाहर जाता है वो डेड हो गया, वो मर जाता है, क्योंकि वायरस हमेशा लिविंग ऑर्गेनाइज के बॉडी के अंदर होता है। ध्यान दीजिएगा कि वायरस जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनाइज्म के बॉडी के अंदर पाया जाता है, ना कि नॉन लिविंग, ठीक है। तो वायरस जैसे ही मतलब आपकी बॉडी से और बॉडी से बाहर गया, जैसे ही लिविंग ऑर्गेनाइज्म की बॉडी से बाहर गया वो डेड हो गया, समझो, ठीक है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि वायरस एक लिविंग पार्टिकुलर कंपोज ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, लाइक न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, जो डीएनए आरएनए प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप कि सबको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं बच्चों कि मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताया, क्या बताया, मैंने बताया कि मतलब ये जो खोज की थी एडोल्फ मेयर नामक है, एडोल्फ मेयर नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने तंबाकू के, सॉरी, जिन्होंने वायरस की खोज की, और खोज करने के पश्चात उसमें जो रोग थे पत्ती में, तंबाकू की पत्ती पे वायरस की खोज हुई थी, वायरस की खोज तंबाकू की पत्ती पे हुई थी, और जो तंबाकू की पत्ती उन्होंने लिया था एडोल्फ मेयर नामक वैज्ञानिक ने, जो धब्बे थे, जो रोग थे उनको देखकर उन्होंने क्या बताया कि बैक्टीरिया है, हाँ ये बैक्टीरिया है, जीवाणु, जिसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, अपनी नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये किसने बताया था, एडोल्फ मेयर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। फिर उसके बाद जो इवानोवस्की थे, इन्होंने जब स्टडी किया, इसका अध्ययन किया, वायरस की खोज किया, तो उन्होंने दो अलग अलग तंबाकू की पत्ती लिया, एक एकदम आपका सही तंबाकू की पत्ती था और एक रोग रहित था, ठीक है, दोनों के सैप को, रस को निकाला और दोनों अलग अलग गिलास में रखा, और उसके बाद जो रोग वाले थे उसको दूसरी पत्ती में, जो ऐसी पत्ती में उन्होंने लगाया जो बिल्कुल सही थे, सुरक्षित थे, तो उसमें लगाया, और लगाने के पश्चात उसमें देखा कि उसमें भी ऐसे ही रोग हो गए, तो उन्होंने बोला कि ये एक प्रकार का टोमैको मोज़ेक वायरस है, इसलिए इसका नाम दे दिया उन्होंने टोमैको मोज़ेक वायरस। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों देखिए, मैं आपको डेफिनेशन भी आपको लिख दी हूं, मतलब आपको इंग्लिश में भी लिख दी हूं, जो बच्चे इंग्लिश में होंगे वो बिल्कुल भी इसको देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं, हिंदी वाले बच्चों तो नोट्स अच्छे से बना लेंगे क्योंकि मैं आपको पूरा हिंदी ही बता रही हूं, तो इंग्लिश वाले बच्चे भी थोड़ा देख ले। डिमित्री इवानोवस्की सेपरेट ए माइक्रो ऑर्गेनाइज्म फ्रॉम द सेल ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट एंड नेम टोमैको मोज़ेक वायरस, मतलब कि उन्होंने इसे देखकर उसके रस को निकालकर प्रैक्टिकल कर उन्होंने ये बोला कि
प्लीज ये एक टोमेटो मोजैक वायरस है, इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, टोमेटो मोजैक वायरस। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं बच्चों कि एक और वैज्ञानिक आ गए। देखिए किसी भी चीज की जब खोज होती है तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तभी तो पूर्ण रूप से पता चलता है कि ये वास्तव में है क्या। किसी ने इतना खोजा, किसी ने फिर इतना खोजा, फिर इतना किया, फिर पूर्ण रूप से पता चल गया कि भाई इसकी खोज हो चुकी है, अब इसमें हाथ मत लगाओ। ठीक है, तो लास्ट स्टेज में देखते हैं कौन आता है, आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं ना। तो एक फिर एक वैज्ञानिक आया जिनका नाम था पोषण नामक वैज्ञानिक। इन्होंने पोषण नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने टर्म दिया, मतलब कि इसका नाम दिया, क्या नाम दिया कि ये एक प्रकार का क्या है, वायरस है। इन्होंने इसे वायरस मतलब कि विषाणु नाम दिया। किसने? पोषण नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, फिर उसके बाद जो अब देखिए, जैसे कि ये तो हमारा क्या हो गया, डिस्कवर्ड वाली बात हमारी खत्म हो गई। तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक वायरस नाम दिया, क्वेश्चन नामक वैज्ञानिक ने, एक थे एडोल्फ मेयर जो थे उन्होंने बताया। ठीक है कि ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है, और जो इवानोवस्की थे इन्होंने बताया कि ये एक तुम्हें को मुझे एक वायरस है। तो मेन नामकरण किसने किया था, इवानोवस्की ने किया था। इन्होंने साबित किया कि एक प्रकार का वायरस है, इन्होंने तुम्हें को मुझे एक वायरस ही बोला। ठीक है, तो कभी भी अगर खोज पूछता है कि वायरस की खोज किसने की, तो वायरस की खोज इवानोवस्की ने ही की थी। ठीक है, ये दो नाम आप नहीं बोल सकते क्योंकि इनका काम अलग है, इनका इन्होंने नामकरण किया इसे, लेकिन इन्होंने पूरा खोज करके इन्होंने बताया कि एक प्रकार का टोमैको मोजैक वायरस है, इसलिए खोजकर्ता में इन्हीं का नाम आएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि विषाणु की खोज, वायरस की खोज किसने की थी, इवानोवस्की ने की थी। ओके, अब बात यहाँ पे आती है कि इसकी क्रिस्टलाइजेशन किसने किया। मीन्स बच्चों कि क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है क्रिस्टल, क्रिस्टल जैसे कि आप देखते हैं किसी चीज का छोटे छोटे कण हो जाते हैं, क्रिस्टल हो जाते, क्रिस्टल के रूप में बन जाते हैं। तो जो W.M. Stanley एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1935 में, ठीक है, W.M. Stanley नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1935 में क्रिस्टल के रूप में इसे, इस वायरस को क्रिस्टल के रूप में क्या किया, अलग अलग किया। ठीक है, क्रिस्टल के रूप में अलग अलग किया। किसने किया? W.M. Stanley नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टोमैको मोजैक वायरस, मतलब कि एक वैज्ञानिक और भी आ गए, एक वैज्ञानिक इसमें और भी एंट्री कर ली, और एंट्री करने के पश्चात उन्होंने क्या क्या नाम था उनका, फ्रैंकलिन। ठीक है, उनका क्या नाम था, फ्रैंकलिन नाम था। ठीक है, फ्रैंकलिन, ये जो फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने टोमैको मोजैक वायरस को सबसे पहले देखा था कि किस आकार के होते हैं, इसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले किसने देखा था, तो फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक थे। मतलब अगर पूछा जाए कि माइक्रोस्कोप से, मतलब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से सबसे पहले किसने वायरस को देखा, तो फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को, वायरस के स्ट्रक्चर को देखा था। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। आज हम लोगों ने केवल डिस्कवर्ड के बारे में बात की। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी और आप ऐसे ही कंटिन्यू हमारे साथ बने रहते हैं, तो आप जल्दी से सिपे स्मार्ट क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए और अपनी जो भी आपकी क्वेरी है वो हमें बताइए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।